कर्म शब्द कृ धातु से निकला है। कृ धातु का अर्थ है करना। जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्मफल भी होता है। दार्शनिक दृष्टि से इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं, परंतु कर्म योग में कर्म शब्द से हमारा आशय केवल कार्य ही है। मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। प्राच्य दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सुख नहीं वरन ज्ञान है। सुख और आनंद विनाशशील हैं, अतः सुख को चरम लक्ष्य मान लेना भूल है। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य मूर्खतावश सुख को ही अपना आदर्श समझ लेता है। पर कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसकी ओर वो जा रहा है वो सुख नहीं वरन ज्ञान है, तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं, और जितनी शिक्षा उसे शुभ से मिलती है उतनी ही अशुभ से भी। सुख और दुख आत्मा के सम्मुख होकर जाने में उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित कर जाते हैं, और इन संस्कारों की समिष्टि के फल को ही मानव का चरित्र कहा जाता है। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वो उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक झुकाव की समिष्टि ही है। तुम ये भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप हैं। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में शुभ और अशुभ दोनों का समान अंश रहता है, और कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कह सकता हूं कि अधिकांश दृष्टांतों में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दारिद्र्य ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है, एवं प्रशंसा की अपेक्षा आघातों ने ही उनकी अंतः स्वरूपाग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है।